नमस्कार, मैं कोपल हालन, स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के मुताबिक यूक्रेन छोड़कर जाने वाले लोगों की कुल संख्या 368,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 150,000 से अधिक लोगों ने संघर्ष शुरू होने के बाद पोलैंड में शरण ली है, जबकि 43,000 से अधिक लोग बीते 3 दिनों में यूक्रेन से रोमिया पहुंचे। वहीं उत्तर पूर्वी यूक्रेन के खरकीव शहर के क्षेत्रीय प्रशासनिक प्रमुख ने बताया कि स्थानीय सेनाओं ने रूस के सैनिकों के खिलाफ सड़कों पर जंग लड़ने के बाद शहर पर फिर से पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में खरकीव के गवर्नर ओले सिनेगुबोव ने कहा कि यूक्रेन सेना ने रूसी सेना को शहर से बाहर खदेड़ दिया है। इससे पहले आज सुबह से ही रूसी सेना के खरकीव में प्रवेश की खबरें आनी शुरू हो गई थी। साथ ही अलग अलग स्रोतों से ये भी पता चला था कि रूसी सेना को यूक्रेन की सेना और लोकल मिलिशिया जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। धन्यवाद।